दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पार्षद को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि बवाना वार्ड 30 के पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पवन का आरोप है कि सदन में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के इशारे पर हंगामा हो रहा है। बवाना वार्ड 30 से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं बवाना वार्ड 30 से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अराजकता व तानाशाह केजरीवाल पार्षदों का उनकी ही पार्टी में दम घुट रहा है। एक एक करके उनके साथ ही आम आदमी पार्टी को अलविदा कर रहे हैं। मोदी सरकार की विकास कार्यों से प्रभावित होकर वे सभी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और केजरीवाल सरकार की दमनकारी नीतियों से वे सब परेशान हैं। इसी को लेकर बवाना वार्ड 30 से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बवाना से चुनाव लड़ा, उसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए हमारा इस पार्टी में दम घुटने लगा। उसके बावजूद चुनाव होने के बाद हमारे से पूरा दबाव बना रहा कि आप पूरा हाउस की बात को पूरा हल्ला मचा के रखो ताकि अभी चुनाव नहीं है, नहीं हो और मैं तो हमारा ही बनना है, आप पूरा ऐसे हल्ला करते रहो। फिर उसके बाद 22 तारीख को हमारे मेयर का चुनाव हुआ, मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ और मेयर बनने के बाद जो दुर्भाग्य हुआ हाउस में, वो आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के बाद उनके इशारे पे जो पार्षदों को बोला गया था वो सभी मीडिया कर्मियों ने, आपने सभी ने दिखाया कि कैसे बोतल मारी गई, कैसे कुर्सी मारी गई। हमारे को बोला ये गया था ऐसे करो ऐसे करो, और तो इनका ये रवैया देखते हुए आज हमने आम आदमी पार्टी को छोड़कर और मोदी जी विचारधारा बीजेपी को ज्वाइन किया, क्योंकि तो मोदी जी भी जब चुनाव जीतते हैं सदन में जाते हैं, उस सदन में अपना सिर झुका के जाते हैं। और हमको जो 22 तारीख को मेल मिला, उसने पूरे सदन को कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, पूरी बोतलें चली, पूरी कुर्सियां चली। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरे दिल्ली ने, पूरे भारतवर्ष ने, पूरे देश ने देखा। तो ये एक आम आदमी पार्टी अच्छे विचारधारा की पार्टी नहीं है और हमने। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।